तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग प्लाज्मिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मिट इज ए स्मॉल डी एन ए मालिक्यूल विद इन ए सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्राम क्रोमोसोमल डी एन एंड कैन रिप्लीकेट इनडिपेंडेंटली जैसा कि हम लोग बैक्टीरिया में देखते हैं प्लाज्मिट के बारे में तो यहाँ पे एक प्लाजमिट आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मिट का जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत रोल है इसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज़ है इन क्रोमोसोम प्लाज्मिड या वायरस देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लीकेशन जहां से रेप्लीकेशन का इनिशिएशन होता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन बोलते हैं इसी को साइड में ओ आर आई ओ भी बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइट है जहाँ से रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो कोई भी जीन एलियन जीन है या डीएनए सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग को रेप्लीकेट कराना है तो उसको हम लोग इसी ओरी के पास में ही ऐड करते हैं ताकि उसका रिप्लिकेशन हो चुके इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब हम लोग बात करेंगे कि थ्री स्टेप्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एन कौन कौन सी वो स्टेप होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स जिस डीएनए uh, को हमको ऐड करना है या जिस डीएनए से मॉडिफाई करना है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा डीएनए सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग को ऐड करना है किसी अनादर डीएनए सीक्वेंस के अंदर या मॉडिफिकेशन कराना है पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस एलियन जीन को जो हमें किसी अनादर जीन में इनकॉर्पोरेट करना है अटैच करना है दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डी एन ए द होस्ट अब इस आइडेंटिफाई जीन को हम लोग होस्ट डीएनए में या जो कि जहां जहाँ करना है उसमें उसको इंट्रोड्यूस करेंगे है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई डी एन द होस्ट अब इस डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और तीसरा जो पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस आप इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर डीएनए टू द प्रोगेनी अब ये जो इंट्रो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है एलियन डीएनए या बाहर से जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है उसका मेंटेनेंस कैसे हो होस्ट के अंदर और वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाए प्रोग में कैसे जाए तो ये हमारा एक टारगेट होता है कि स्टेप्स होते हैं किस तरह से इन चीज़ों करना है ये आपका पूरा जेंटिक इंजीनियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के जेनटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसीजर हैं वो की जाती हैं तो इसमें क्या है उससे पहले हम डिजायरेबल डी एन ए को सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करें फिर उसको दूसरे डी एन ए से ऐड करें इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको मेंटेन करें ठीक है तो जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यानी एक जीन जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे जीन में ऐड करते हैं उसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं उसकी एक टेक्निक होती है उसी टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से किया जाता है कि एक जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में अटैच करना ये जो प्रोसीजर है ये कैसे होती है इसी चीज़ को हम लोग को देखना है आगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकम्बिनेंट डी की तो रिकम्बिनेंट डी क्या चीज़ होता है री यानी कि न्यू कम्बिनेशन न्यू कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनसली रेप्लीकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो बाई लिंकिंग ऑफ जीन विथ प्लाज्मिक वेक्टर तो होता क्या है ये प्लाज्मिक वेक्टर है इसको हम लोग कट करते हैं इसमें कोई बाहर से एलियन जी एन डी एन ए या जीन इसमें ऐड करते हैं तो ये जो प्रोसीजर है ये पूरी इसी को फिर इसके बाद जो डी एन ए यहाँ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डी एन ए रिकम्बिनेंट का मतलब नया कम्बिनेशन बन गया एक या फिर से एक कम्बिनेशन बन गया नया कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन तो रिकम्बिनेंट डी एन इसी को बोलेंगे जो किसी बाहरी जीन को किसी एलियन डीएनए सीक्वेंस को किसी पहले से मौजूद प्लाजमीड में ऐड कर दिया जाए फिर इस जो जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है फिर इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो होस्ट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने से वो होस्ट सेल पूरी मॉडिफाइड हो जाती है फिर जब होस्ट सेल में रेप्लिकेशन होगा कॉपिंग होगी या आगे इसमें डिवीजन होगा तो जितने भी अब आगे के जो प्रोगनी होंगे उनमें सभी ये एलियन डीएनए और जो पहले से डीएनए ये दोनों मौजूद रहेंगे तो हमें फिर वो डिज़ायरेबल चीज़ें मिलेंगी जो हम चाहते हैं जिस वजह से हमने इस जीन को डीएनए को उसमें इंट्रोड्यूस किया है ये सारी प्रोसीजर हम लोग और डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग रिकम्बिनेशन डी आप समझ गए होंगे रिकम्बिनेट डी का मतलब न्यू कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लीकेटेड डी एन ए क्रिएटेड इन विट्रो इन विट्रो का मतलब लैब के अंदर है ना बाई लिंकिंग ऑफ जीन विद प्लाजमिट वेक्टर तो ये एक प्लाज्ड वेक्टर है इसमें हमने कट किया इसमें बाहर से कोई जीन इसमें ऐड कर दिया अब ये जो जो यहाँ पे बना इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डी एन ए तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिकम्बिनेट डी एन ए आपको दिख रहा है तो इस तरह से ये रिकम्बिनेट अब ये तो यहाँ पर हम रिकम्बिनेट डीएनए का एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सबसे पहले टाइफाइड जिसके बारे में आप जानते हैं सलमोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया का इसमें प्लाज्मिड लिया गया ये सलमानोला टाइफेम्यूरियम का प्लाज्मिड है इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको यहाँ से कट किया गया और कट करने के बाद कट करने के लिए हम मोस्टली रिस्ट्रिक्सन एंडोनिकलेजन एंजाइम का यूज करते हैं जिसको कि हम लोग मालिकुलर सीजर्स ये बोलते हैं सीजर्स मतलब कैंची या काटने वाली चीज़ तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने उस डीएनए को आइसोलेट किया कट किया कौन सा डीएनए वो जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था उस जीन को हमने अलग किया उसके बाद उस जीन को हमने ट्रांसफ़र किया दूसरे प्लाजमिट के ऊपर और इस प्लाजमिट में हम फिर से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक् एंजाइम की सहायता से इसको ओपन करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की हेल्प से इसको हम कट करते हैं ओपन करते हैं और यहाँ पे इस एलियन डीएनए को जो कि यहाँ से निकाला गया है इसको ला करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइगेज एंजाइम का तो जो हमारा जेनटिक इंजीनियरिंग है इसमें दो एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम और दूसरा होता है लाइगेज एंजाइम इन्हीं की हेल्प से हम सारी प्रोसीजर करते हैं इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये है टाइफाइड के सलमोनेला टाइफरियम का जिसके कि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जिनको यहाँ से रिमूव करते हैं आइसोलेट करते हैं और इसको ट्रांसफ़र करते हैं ई कोलाई के प्लाजमिट के ऊपर और अब ये ई कोलाई का जो प्लाजमिट था अब ये बन गया डीएनए क्योंकि इसमें यहाँ से एक्स्ट्राजीन या एलियन जीन ऐड हो चुका है तो ये जो अब हमारा यहाँ पे प्लाजमिकट है ये बोला जाएगा रिकम्बिनेंट डी एन ए अब इस रिकम्बेन्ेंट डी एन ए को हम लोग ई e. कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो जब ई e. कोलाई के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अब ये जो हमारा ई e. कोलाई है बैक्टीरिया ये जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसके अंदर तो अब जो हमारा बैक्टीरिया है ईकोलाई e. उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई जो कि टाइफाइड वाले प्लाज्मिट में थी या टाइफाइड के बैक्टीरिया में थी तो इस तरह से हमने रिकमेंडेशन जीन का फार्मेशन किया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया दूसरे होस्ट से ये जो सेल है इसको हम लोग बोलेंगे होस्ट सेल तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए ये है सलमोनेला टाइफी का प्लाजमिट सेलमोनेला टाइफी म्यूरियम का ये है ये ईकोलाई e. का प्लाजमिट है इस ई e. कोलाई के प्लाजी पे हमने सेलमोनेला टाइफी का उस जीन को ट्रांसफर किया ऐड किया जिस जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्स मिलता है अब इस ई e. कोलाईस के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो कम्बिनेशन बनता है इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डी इस रिकम्बिनेंट डी को हमने ई e. कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये रजिस्टेंट उसके अंदर भी वही रेजिस्टेंस डेवलप हो गया वही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया जो कि सेल्मोनेला टाइफी के अंदर या सलमानला टाइफी मीडियम के अंदर था तो इस तरह से रजिस्टेंस अब इकुलाई के अंदर हुआ गया तो ये जो यहाँ नया कम्बिनेशन बना फिर इसको हम इंट्रोड्यूस किया ये एक प्रोसीजर है ये बहुत शॉर्ट में है इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आप लोग आगे देखेंगे